सैंकीज किचन। हाय मॉम। हेलो। आज क्या बनाने वाले हो आप? आज चना दाल, क्रिस्पी चना दाल बनाने। अरे वाह, उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? उसके लिए सबसे पहले तो चना दाल ही चाहिए। ओके। उसे मैंने 7-8 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। हाँ जी। अगर 7-8 घंटे का टाइम आपके पास नहीं है तो गर्म पानी में 2 घंटा भिगा दो। ओके। और भिगाने के टाइम थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच सोडा इसमें डाल दिया था, जो खाने का मीठा सोडा आता है। थोड़ी सी फूल के बड़ी हो जाए और अच्छा क्रंच आए फ्राई करने के टाइम। ओके। और दाल का मसाला के लिए हमने आधी छोटी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर लिया है, 1 चम्मच चाट मसाला और टेस्ट अनुसार नमक लिया है। ओके, चलिए फिर फ्राई करते हैं। चल, अब यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल बहुत ही कम लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि दाल जो है वो गीली होती है, पानी वाली होती है। ओके। पानी से निकाल के 5-7 मिनट उसको एक साफ कपड़े के ऊपर बिछा दी थी, ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए। ओके। और अभी यहाँ पे मैंने एक जाली में इस तरह से दाल ले ली है और इसे मैं फ्राई करूँगी। पानी की वजह से ऑयल सीधा ऊपर आता है, इसलिए ज़्यादा तेल नहीं रखने का, जलने का डर हो। ओके। और अब जब तक ये बबल्स है ना वो बैठ ना जाए ना, तब तक हम इसे ऐसे ही फ्राई होने देंगे। ऑलराइट। देखिए बबल्स बैठ चुका है। हाँ जी। हाँ, अभी इसको बीच बीच में हम इस तरह से थोड़ा सा हिलाते रहेंगे और तेल इतना गर्म करना है कि धुआं निकले। ओके। मतलब पहले ज़्यादा गर्म होना चाहिए और फिर वो अपने आप ही दाल ऊपर आ जाएगी। बीच में हम गैस को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। अच्छा, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। हाँ, और दाल अपने आप ही ऊपर तैरने लगेगी। देखिए, आप देख सकते हैं दाल एकदम ऊपर आ चुकी है अपने आप। बीच बीच में कभी कभी ऐसा थोड़ा सा हिलाया था। तो ये दाल फ्राई होके रेडी है, इसे हम निकाल लेंगे और दूसरी दाल को फ्राई कर लेंगे। ओके। हाँ मॉम, तो अभी क्या करना है? मस्त दाल फ्राई होके रेडी है। यस। अभी हम इसका मसाला करेंगे। ओके। रेड चिल्ली पाउडर है, चाट मसाला 1 चम्मच लिया है, एकदम थोड़ा सा सॉल्ट लिया है, क्योंकि चाट मसाला में भी ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो ध्यान से। और अभी हम ये सबको मिक्स कर लेंगे। ओके। तो बस इतना ही? बस इतना ही, एकदम इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। हाँ, जो जैसे मार्केट में मिलती है वैसा वाला ही इसका टेस्ट आएगा। जी जी, अभी हम इसको सर्व करेंगे। ओके। तो रेडी है चना दाल। यस, मस्त मसाला वाली क्रंची चना दाल। फटाफट से बना लीजिए, ताकि हमारे जैसे मेहमान घर पे आए तो आप खिला सको। हाँ जी, और मतलब मिनटों में बन जाने वाली। यस, फ्राई करना ही, और एकदम मतलब कम मसाले हैं और एकदम मार्केट जैसा टेस्ट आ रहा है। तो जल्दी से बना लीजिए और हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यस।